दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी एक शॉपिंग वीडियो है। मैंने शॉपिंग की थी अजियो से और शीन से कुछ चीजों की, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अजियो का हॉल पहले मैं शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बार मैंने ट्यूनिक्स लिए हैं अजियो से। कुर्तीज मैं बहुत लेती रहती हूँ अजियो से, अब मैंने ट्यूनिक लिया है। तो फर्स्ट ट्यूनिक ये वाला है, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। ये अंगरखा स्टाइल का है ट्यूनिक, इस तरह से ये बंद हो जाता है। और ये देखिए, ये ब्राउन से कलर का है, खाकी कलर का, ब्राउन कलर का। पूरा नीचे पूरा फ्लेयर है इसके नीचे इस तरह से। और ये नी लेंथ तक का है, पेपलम टॉप की तरह है, नी लेंथ का है। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो फुल स्लीव्स हैं, देखिए इस तरह से है। ये स्लीव्स है इसकी, स्लीव्स पे भी यही वाली लेस वाला काम है जिस जोन सा इसके गले पर है। ये देखिए इस तरह से गले पर भी है ये, और काफी खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसको ब्लैक जीन्स के साथ पहनेंगे या फिर आप इसको धोती पैंट के साथ पहनेंगे, बहुत प्यारा लगेगा। ये अंगरखा स्टाइल है, साइड में ये ऐसे बंद हो जाएगा। इसके ये डोरी भी दी हुई है, ये देखिए इस तरह से कुछ दिख रही है डोरी, ये इस तरह से डोरी है, दो डोरियां दी हुई है। और इस तरह से ये बंद हो जाएगा अगर आप इसको क्लोज करना चाहें। काफी प्यारा है ये कुर्ती। अब मैं इसको पहन के आपको दिखाऊंगी, तो आप जज कर सकते हैं। ये मुझे पड़ी थी, मुझे एज यूजुअल प्राइस याद नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये इस तरह से है, इसका साइज मैं बता देती हूँ। इसका साइज है एल साइज है इसका। और ये काफी अच्छी थी, अभी सेल चल रही है अजियो पे भी। तो आप अगर गर्मी के कपड़े खरीदना चाहते हैं, जैसे गर्मी आने वाली है, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप जरूर खरीदिए। बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक भी प्योर कॉटन है, बिल्कुल भी इची नहीं है, और बहुत सॉफ्ट कॉटन है। आप इसको गर्मियों में आराम से पहन सकते हैं। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाला व्हाइट वाला टॉप, ये देखिए कुछ इस तरह का टॉप है, ये पेपलम टॉप है ये भी, और शॉर्ट लेंथ का है। ये देखिए कुछ इस तरह से है, अजियो ब्रांड का। ये देखिए ये है इस तरह से, छोटी छोटी इसके ऊपर बूटियां बनी हुई है, ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है। ये इसका योक एरिया है, उसके बाद ये इसका फ्लेयर है, काफी बड़ा फ्लेयर है, अच्छा है। इसका मटेरियल भी प्योर कॉटन है, सी थ्रू है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके नीचे आपको स्लिप पहननी पड़ेगी, और इसकी जो स्लीव्स है वो आपकी एल्बो तक आती है, उसके ऊपर भी इस तरह का टेपिंग है। ये देखिए ये इस तरह से इसका फ्रंट जो मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से, ये देखिए छोटे छोटे से बटन्स लगे हुए हैं इसमें, और काफी प्रिटी पैटर्न है। और अगर गर्मियों में जैसे काफी ज्यादा तेज गर्मी होती है, तो ये काफी ज्यादा ब्रीदेबल फैब्रिक है, कॉटन है प्योर, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये गर्मियों में पहनेंगे जीन्स के साथ, तो काफी स्मार्ट सा लुक देता है। ये इस तरह से इसका नीचे का पोर्शन है। इसका प्राइस भी मुझे याद नहीं है, मैं लगा दूंगी स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। ये इस तरह से है, ये कुछ इसका साइज भी एल है, जी हाँ इसका भी साइज एल है। अजियो में ये होता है कि जो आपका साइज है वही आपको मिलेगा, दूसरी वेबसाइट्स की तरह नहीं कि दिखाया कुछ और होता है और मिलता कुछ और है, वही साइज है एप्रोप्रिएट, जो स्टैंडर्ड एल साइज है तो वही आएगा आपको। अब मैं थर्ड चीज दिखाती हूँ। थर्ड टॉप कुछ इस तरह से है, ये ब्राउन कलर का है, कॉफी कलर का, और ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है इस तरह से, ये स्लीवलेस है, ये देखिए इस तरह से ये एम्ब्रॉयडर्ड है सारा, नेक पे ये यू शेप का बना हुआ है डिजाइन सा, सामने फ्रंट पे ये एम्ब्रॉयडरी है, और फिर ये पूरा फ्लेयर वाला होता जाता है, जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये फ्लेयर वाला होता जाएगा इस तरह से।
ये भी प्योर कॉटन फैब्रिक है, और जो ये गोल्डन कलर का थ्रेड वर्क है ये वो नहीं है, फॉइल प्रिंट नहीं है, तो ये निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात, आपको स्लीव्स भी मिल जाएंगी, छोटी छोटी स्लीव्स हैं इसके अंदर। ये आप इस अटैच करवाना चाहते हैं तो अटैच करवा सकते हैं। इस ये मटेरियल कॉटन रेयॉन है, काफी ब्रीदेबल है ये भी। ये वाली कुर्ती भी अगर आप जीन्स के साथ पहनते हैं तो काफी स्मार्ट लुक देता है। अगर आप प्लाजो के साथ या ट्राउजर के साथ पहनते हैं तो भी काफी अच्छा लुक आएगा। इस तरह से ये कुर्ती है, ये देखिए जैसे ऐसे नीचे जाता जाएगा इसका फ्लेयर बढ़ता जा रहा है इस तरह से। तो ये थी थर्ड नंबर की कुर्ती, इसका भी प्राइस मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। काफी अच्छा मटेरियल है और काफी अच्छी परचेज है ये। मैंने रेड कलर का ट्यूनिक लिया है, ये देखिए ये इस तरह से ब्राइट रेड है, काफी ज्यादा ही ब्राइट इसमें लग रहा है आपको कैमरा में, बट ये इतना ज्यादा नहीं है, टमाटो रेड है ये, जैसे टमाटो का कलर होता है वैसा वाला रेड है इस तरह से। और मैं आपको पिक दिखाती हूँ, ये देखिए ये पिक में तो इसमें सामने टेसल भी दिया हुआ है कि टेसल से इसका फ्रंट क्लोजर हो जाएगा, बट ये ऐसा है नहीं कुछ। और ये मटेरियल भी कॉटन है, स्विस कॉटन इसको बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्विस एम्ब्रॉयडरी है, अलग कपड़े के अंदर अपना अलग ही काम है। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो जो ये डॉट्स होते हैं इसको स्विस बोलते हैं, स्विस कॉटन ये इस तरह से है। और काफी ज्यादा ये भी खुला है, बहुत ढीला है, अगर आप मेरी जितनी हेल्थ के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परफेक्ट है और स्टाइलिश बहुत लग रहा है। देखिए इस तरह से है, ये ब्राइट रेड कलर है, फुल स्लीव्स है इसकी, और स्लीव्स पे ये देखिए ये बटन दिया हुआ है इस तरह से, और फुल स्लीव्स है इसकी। गर्मियों में इस तरह की कपड़े वाले चीजें बहुत अच्छी रहती हैं, इस तरह का कॉटन वाला मटेरियल काफी ज्यादा ब्रीदेबल होता है। आपको भी पता है कि सर्दियां और गर्मियां दोनों ही दिल्ली में बहुत ज्यादा पड़ती हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। गर्मियां जैसे अभी आने वाली है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो ये कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं। फ्रेंड्स ये थे कुछ ट्यूनिक टॉप्स जो मैंने अजियो से लिए थे। अब मैं आपके साथ शीन की शॉपिंग करती हूँ शेयर। मैंने ये क्लियरेंस सेल में से लिए थे और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स निकले हैं, तो मैं वन बाय वन करके आपको दिखाती हूँ। नंबर वन जो है वो ये टॉप था, इस तरह से ये टॉप है, ये देखिए। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग जो चीज मुझे इसमें लगी वो ये है कि ये कपड़ा तो आपका हौजरी वाला कपड़ा है, जैसे बनियान का कपड़ा होता है, और इसकी स्लीव्स जो है वो दुपट्टे वाले कपड़े की है, ये देखिए इस तरह से। ये बिल्कुल डिफरेंट है, बट बहुत डिफरेंट पैटर्न है और गंदा सा लगता है ये अगर पहनेंगे इस तरह से, तो मैं इसको वापस करने वाली हूँ, ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा ये। इस तरह से इसकी स्लीव्स आप फोटो में देखिए, फोटो में ये बिल्कुल सेम कपड़े का लग रहा है, बट इसमें बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने खुद ने इसके साथ जोड़ी है, अटैच किया स्लीव्स, और बहुत बेकार लग रहा है ये। इसका गला भी देखिए कितना ज्यादा डीप है, तो ये एक बहुत बेकार है चीज। ये एम साइज में मैंने ऑर्डर किया था, ये परफेक्ट आ रहा है मुझे। इसका साइज तो ठीक है, बट इसकी जो ये कपड़े की जो दो तरह के कपड़े लगाए हैं इसमें, तो वो काफी गंदा लग रहा है और अच्छा लुक नहीं दे पा रहा है। तो अगर आप ये वाला टॉप लेने की सोच रहे हैं तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि इसका कपड़ा स्लीव्स का और इसका कपड़ा सेम है कि नहीं, क्योंकि फिर बाद में आप भी मेरी तरह डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि ये काफी भद्दा लग रहा है। ये देखिए कपड़े का कोई मैच नहीं है, ये वाला अलग शेड का कपड़ा है, ये अलग शेड का कपड़ा है, तो ये दोनों मैच ही भी नहीं है और काफी बेकार लग रहा है। अदरवाइज इसकी फिटिंग अच्छी है, और ये मुझे पड़ा था आई गेस 200 समथिंग का, तो अगर ये वापस नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने एक जंप सूट ऑर्डर किया था, इस तरह का ये जंप सूट देखिए, ये स्ट्राइप्स वाला पैटर्न आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, इस तरह से ये चल रहा है, ये जंप सूट है। ये मैंने एल साइज में ऑर्डर किया था, बट मुझे मिला ये एम साइज में है। इसमें शीन का सबसे बड़ी बात, कोई टैग नहीं लगा है कहीं पर भी, अदरवाइज शीन के हर प्रोडक्ट पे उसका टैग होता है, इस पे कोई टैग नहीं है। और इसका बैक ये है, इस तरह से ये क्लोजर है, बैक ऊपर बटन दिया गया है और नीचे जिपर है, इस तरह से जिप आप क्लोज भी कर सकते हैं।
आपको क्लोज करने के लिए जिप के लिए कोई और की जरूरत पड़ेगी, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि ये काफी टाइट है और ये हो भी नहीं रहा है। इस तरह से ये जिप है। कपड़ा इसका जो है लाइक्रा है, जो गर्मियों में ठीक रहता है थोड़ा सा, और काफी हल्का कपड़ा है। इसको पहनने के बाद पैंटी लाइंस पड़ सकती हैं, और साथ में इसका ये जो है सी थ्रू है थोड़ा सा कपड़ा, तो आपके आपको इसके नीचे कुछ ना कुछ पहनना जरूरी पड़ेगा, तभी आप इसको वेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पैटर्न की वजह से मैंने लिया था, बट ये भी पूरा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत इतना अच्छा नहीं आया ये कपड़ा भी। तो अगर आप ये लेने की सोच रहे थे तो एक बार दो बार सोच के फिर लीजिए ये। ये भी मुझे 343 समथिंग ऐसा ही पड़ा था, तो मैंने क्लियरेंस सेल में से लिया था। अभी क्लियरेंस सेल ऑन है और काफी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स की का क्लियरेंस सेल लगा हुआ है। अगर आपका साइज अवेलेबल है तो आप जरूर ट्राई कीजिए शीन की क्लियरेंस सेल। नेक्स्ट जो मैंने लिया था, मैं आपको पिक दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, इस तरह की पिक है, कितनी स्मार्ट सी ड्रेस लग रही है। और जो मुझे मिला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे रसोई का डस्टर होता है वैसे कपड़े की ये ड्रेस है। ये देखिए इस तरह की है, और इसी तरह से रिंकल्ड पोजीशन में मुझे मिली थी एकदम। वो इस तरह से करके और ऐसे ही डाल देते हैं जो कपड़ों को, तो वो इसी हालत में मिलते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी इसकी स्लीव्स है, काफी ज्यादा बड़ी है। पिक में ये कितनी स्मार्ट लग रही है ये ड्रेस, बट ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ड्रेस। सामने से ऐसे ट्विस्टेड पैटर्न है। और ए लाइन है ये स्कर्ट पोर्शन जो इसका है, पीछे इस वॉक करने में दिक्कत ना हो इसलिए ये कट दिया जाता है। ये देखिए ये कट है पीछे। बनावट तो अच्छी है बट कपड़ा बहुत बेकार है इसका, एकदम रद्दी वाला कपड़ा। इसको दो बार पहनने के बाद बॉबलिंग आ जाएंगी, और इसमें इतना ज्यादा आयरन दिखेगी भी नहीं, टिकेगी नहीं सबसे बड़ी बात, तो क्योंकि थोड़ा सा भी इसको क्रश करने से ये पूरा क्रश हो जाता है, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। शीन के ये तीनों प्रोडक्ट्स बहुत बेकार निकले हैं। अब मैं आपको फोर्थ दिखाती हूँ। इसके साथ ये बेल्ट भी मिली थी, तो ये मैं ऐड करना भूल गई थी। देखिए ये इस तरह से ये बेल्ट है जो इसी क्लोथ की बनी हुई है, क्रश्ड है एकदम। इस पे आयरन टिकेगी ही नहीं, अगर आप आयरन करके भी पहनेंगे तो भी नहीं ये जमेगी, तो ये बिल्कुल रद्दी प्रोडक्ट जिसे कहूंगी वो है। नेक्स्ट जो है वो ये वाला टॉप है, इस तरह का टॉप। इस तरह के टॉप काफी स्मार्ट लगते हैं। ये देखिए ये ऑफ शोल्डर टॉप टॉप है, और इसमें पूरा स्ट्रेची मटेरियल है, इस तरह से पूरा स्ट्रेच हो रहा है। मैं तो इसको एज अ ब्लाउज इसको यूज करने वाली हूँ। बाकी ये एक मटेरियल कॉटन है और काफी स्ट्रेची सा है, इसका ये पोर्शन भी अच्छा है। ये मुझे 213 समथिंग का पड़ा था, 213 रुपए का। ये देखिए इस तरह से है ये टॉप, और इतना ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं एलिमेंट, बट इसका कपड़ा और इसका डिजाइन देख के मैंने इसको लिया है। और ये साड़ी के ऊपर ब्लाउज की तरह अगर हम मैं वियर करूंगी तो काफी अच्छा लगेगा, काफी स्मार्ट सा लुक आएगा। इसके ऊपर रेड साड़ी पहनिए, और ये देखिए एकदम से जैज अप हो जाएगा आपका लुक। नीचे भी इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, मैं नीचे से दिखाती हूँ। ये इस तरह से है, पूरा इलास्टिक है, और आराम से ये फिट हो जाएगा, हग कर लेगा आपकी बॉडी को। कॉटन है तो इसमें स्वेटिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये ठीक आया है जो मुझे सामान मिला है, अदरवाइज सारा कुछ ये शीन की तरफ से इस बार सारा डिसअपॉइंटिंग रहा है, और बहुत बेकार चीजें निकली है। तो शीन से अब परचेज करते हुए थोड़ा सा आप क्वालिटी का ध्यान रखिए। देखिए अगर आप सस्ती चीजों में जा रहे हैं तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा कहीं ना कहीं। तो मिलती हूँ नए वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हॉल वीडियोस बनाती रहती हूँ, और स्टाइलिंग वीडियोस मेरा मेन है जो मैं इस पे डालती हूँ। तो स्टाइलिंग वीडियोस और हॉल वीडियोस देखने के लिए बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल स्टेटमेंट भावना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।